आज हम बनाने वाले हैं गुजराती राहड़ दाल और चावल की खिचड़ी। आइए हम देखते हैं संध्या एंड रसोई में इसको कैसे तैयार करेंगे। और उससे पहले हम कर लेते हैं चैनल को सब्सक्राइब। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ संध्या और आप सबका स्वागत है संध्या एंड रसोई में। आज हम बनाएंगे गुजराती खिचड़ी। वाह माँ, आज आप मेरी फेवरेट गुजराती खिचड़ी बना रहे हो। गाइस, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर आप कभी भी अहमदाबाद जाते हो तो अक्षरधाम मंदिर जरूर जाओ। और अगर अक्षरधाम मंदिर जाते हो तो वहाँ की कैंटीन में आपको गुजराती खिचड़ी खाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज उतनी अच्छी खिचड़ी आप दोबारा कहीं पे भी नहीं खाओगे। और उसके साथ आप लो अमूल का दही। सो आज देखते हैं कि संध्या एंड रसोई में मेरी माँ कैसे बनाती है गुजराती खिचड़ी। मैं वैसे ही खिचड़ी बनाकर तुम्हें खिलाऊंगी। बहुत ही टेस्टी ये खिचड़ी बनती है, बहुत ही बढ़िया लगती है। इसके लिए मैंने ये सारी सब्जियां ली हुई हैं। इसमें मैंने सबसे पहले एक कटोरी राहड़ की दाल, एक कटोरी चावल, इनको धोकर मैंने साफ करके भिगो लिया है 1 घंटे के लिए। इससे खिचड़ी बहुत ही अच्छी बनती है। उसके बाद मैंने सब्जियों में लिया है ये आलू, टमाटर, बीन्स और गोभी। आप चाहें अपने पसंद के अनुसार जो भी सब्जी लेना चाहें आप ले सकते हैं। मैंने ये सब्जियां ली हुई हैं। तो आइए हम अब शुरू करते हैं खिचड़ी को बनाना। हाँ तो गाइस, हम खिचड़ी बनाना चालू करते हैं। हमने एक पैन गरम कर लिया है। हम इसको पैन में फ्राई करेंगे, उसके बाद हम कुकर में सीटी लगाएंगे। तो हम बना रहे हैं देसी घी से खिचड़ी। हम इसमें 2 चम्मच देसी घी डालेंगे। प्लीज़ आप भी घी से ही बनाइए, ये खिचड़ी तेल से बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो हमने घी डाल लिया है, घी हमारा मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे हींग, ये कि बहुत ज़रूरी है हींग। इसमें हींग का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। ये हमने डाली थोड़ी सी हींग, 1 पिंच हींग हमने डाली। उसके बाद हम इसमें डालेंगे जीरा। उसके बाद हम डालेंगे इसमें सब्जियाँ, सब्जियाँ हमने डाल दी, गोभी डाल दिया हमने। अब हम इसमें डालेंगे आलू, जो कि मैंने पानी में रख दिए थे। ये आलू डाल दिए हमने। अब हम इनको फ्राई करने तक चलाएंगे। फ्लेम को हमने हाई रखा हुआ है। अब हम इसमें डाल देंगे बीन्स, इनको भी हम अच्छे से फ्राई करेंगे। इसके बाद हम डालते हैं इसमें कटी हुई 2 हरी मिर्ची, अदरक पिसा हुआ थोड़ा सा अदरक, इनको हम लगातार चलाते हुए फ्राई करेंगे। अभी हम सूखे मसाले नहीं डालेंगे, बाद में हम सूखे मसाले डालेंगे। सब्जियों के लिए हम 1/2 चम्मच नमक डालेंगे, जिससे सब्जियों में मिक्स हो जाए। इसके बाद हम डालेंगे ये हमारी दाल, जिसको हमने भिगोया था 1 घंटे के लिए, चावल, इनको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। ये अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर, मिर्ची, लाल मिर्च, हल्दी, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है खिचड़ी में हल्दी डालना। अब हम लास्ट में डाल देंगे टमाटर, इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स करके भून लेंगे। फ्लेम को हमने लो टू मीडियम कर दिया है। हम इसको ढक देंगे 5 मिनट के लिए। हमने एक गैस पर रख लिया है कुकर, उसमें हम डालेंगे 4 कटोरी, इसी कटोरी से हमने जो मापा था दाल चावल को, हम वो डालेंगे इसमें 4 कटोरी पानी। इसको हम अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। ये हमने डाला है 4 कटोरी पानी। अब हम इसको बॉईल होने देते हैं, तब तक हमारी खिचड़ी अच्छी तरह से फ्राई हो रही है। 5 मिनट हो चुके हैं, खिचड़ी अच्छी तरह से
हमने सारी सब्जियों को खिचड़ी को साथ में भून लिया है। अब हमने इसमें जो गर्म पानी रखा था हम वो डाल देते हैं। आराम आराम से हम डालेंगे गर्म पानी और फिर हम खिचड़ी को ट्रांसफ़र करेंगे कुकर में। ये हमने पानी डाल दिया, अब हम खिचड़ी को ट्रांसफ़र कर देते हैं कुकर में। अब हम इसमें एक चम्मच नमक और डाल देते हैं, आधी चम्मच हमने पहले डाला था। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। इसको मिक्स कर देंगे। हम अब इसमें डालेंगे लेमन जूस, ये हम हाफ लेमन जूस में डाल देते हैं। अब हम गैस को एकदम स्लो कर देंगे और सीटी लगा देंगे। खिचड़ी हमारी तैयार है, बस एक सीटी आने तक हम इसको पकाएंगे। तो लीजिए, फाइनली हमारी खिचड़ी हो गई है तैयार। अब हम इसमें धनिया मिक्स कर देते हैं। बहुत ही अच्छी खिचड़ी बनी है। अब इसमें हम लास्ट तड़का और लगाते हैं, घी और जीरे का तड़का हम इसमें लगाएंगे। ये खिचड़ी को हम दही के साथ भी खा सकते हैं। वैसे तो इस खिचड़ी में इतना टेस्ट है कि हमें किसी भी चीज़ के साथ खाने की ज़रूरत नहीं है। इतना बढ़िया टेस्टी खिचड़ी बनी है ये हमारी। तो हम इसको तड़का लगाएंगे। अब हम इसमें, हमने पैन रख लिया है गैस पर, हम इसमें 2 चम्मच घी डाल देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे राई, सरसों, इसका हम तड़का लगाएंगे। घी को थोड़ा हम गर्म होने देते हैं। मिर्ची और 1 चम्मच सरसों के दाने। ये तड़का हमारा तैयार है। सरसों चटक गया है, अब हम तड़का लगा देते हैं। ये डाल देते हैं हम खिचड़ी में। ये बहुत ही टेस्टी तड़का है, इसकी महक बहुत ही अच्छी आती है। हम इसको अनारदाना से गार्निश कर देते हैं। इसमें बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये अनारदाना। ये तैयार है हमारी गुजराती खिचड़ी, बहुत ही टेस्टी खिचड़ी बनी है। और गारंटी लेती हूँ मैं आपको, ये ज़रूर पसंद आने वाली है। आप भी ऐसी खिचड़ी ज़रूर ट्राई कीजिए, और अगर अच्छी लगे, आपको ज़रा भी अच्छी लगे, तो आप इस रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिए और संध्या एंड रसोई को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आइए हम इसको सर्व करते हैं। खिचड़ी तो माँ बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। और गाइज, अगर अभी तक आपने संध्या एंड रसोई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। संध्या एंड रसोई को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करो अभी के अभी। इसमें आपके पैसे नहीं लगते, ये कम्प्लीटली फ्री है। हाँ तो दोस्तों, आप पूरे वीडियो में मेरे साथ रहे, आपने गुजराती खिचड़ी की रेसिपी देखी, और मुझे पक्का पता है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई है और आप ट्राई करने वाले हैं। तो आपके लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया है। अगली रेसिपी में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।